भक्तिमीरांधसि ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दति वन्दहु गुरुपद पदुं मे परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गाइए वंदना की चौपाइया भाव से गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी मूरिम चूरन चारु शमन शकल भव रुजे परिवार शमन शकल भव रुजे परिवार एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगति साधु की करे कोटि अपराध मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भर प्रेम मेरा भरपूर रहे हे क्षमा तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में चहे दुश्मन सब संसार बने चहे दुश्मन सब संसार बने चहे मौत गले का हार बने चहे मौत गले का हार बने चहे विषही निज आहार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों चहे विष
सहे नीच आहार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुख के सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। परम वंदनीय पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर तपोभूमि विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में विराजमान पूज्य श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर जगत को मंगलमय बनाने वाले संत वृंद धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं प्रेम और सेवा की मूर्ति माता बहन आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के यजमान महान दानी भक्त श्री श्याम लाल कुमावत जी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती शोभा देवी पिता हरि राम जी माता श्रीमती कमला देवी पुत्र पवन जी मोहित जी आप आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। तिरुपति बालाजी में आपका बिजनेस है, वहीं पर आपका मकान है। आपने विशाखापट्टनम में आकर के गुरु मंत्र लिया था, श्रद्धा बहुत बड़ी है। आज उनके मन में भाव प्रकट हुआ कि आश्रम पर गुरुदेव निवास कर रहे हैं, तो वहीं पर सुखद सत्संग समागम योम महाभंडारा का आयोजन करूं। विशेष आस्था को ध्यान में रखकर 13,000 की राशि भेजकर आज के यजमान बने हुए हैं। पति पत्नी दोनों की बहुत बड़ी निष्ठा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, डाक पार्सल के द्वारा ये माला भी भेजा है तिरुपति बालाजी से, और
गोंद के लड्डू का प्रसाद पार्सल से भेजा है। गोंद के लड्डू, उसका प्रसाद भी आज पूज्य श्री क्षमादेव जी के सम्मुख वितरण होगा। धन्य है तिरुपति बालाजी, धन्य है श्यामलाल कुमावत जी, गत दिवस 15 सितंबर को प्लाई यस ब्रिक्स ईंट उद्योग श्री अभिषेक उइके बलराम सिरसो दिलीप नेताम गोपाल यादव शेखर यादव समस्त कार्यकर्ता मंडल की ओर से छत्तीसगढ़ बिलासपुर रमतला रोड सिंदरी से आयोजन हुआ था। 17 सितंबर के यजमान हैं ज्ञानेंद्र सिंह राठौर, गायत्री देवी ठाकुर श्रीपाल, आप शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश के निवासी ये पड़ोस में आपका घर है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर शाहजहानपुर, वहाँ आप रहते हैं। अभी आश्रम में एक हफ्ते सेवा करके गए हैं। आपकी इच्छा हुई है कि मैं भी कार्यक्रम करूं। 17 को उनको समय मिला है। 18 के यजमान दीनबंधु प्रसाद जी, बेटी चांदनी भारती, सतमलपुर समस्तीपुर बिहार से हैं। आपने भी ये 18,000 की राशि भेजकर भंडारे का आयोजन करने के लिए सोचा है। 19 सितंबर भी किसी सौभाग्यशाली भक्त को प्राप्त होगी, अभी नामिनेशन नहीं हुआ है। 20 सितंबर नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ूं कैसे? तो महाराज जी दूर से कुछ कह रहे हैं, सुन ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए लिखेंगे तभी पता चलेगा। जोर से ताली बजा दीजिए। 10 महान भक्त नेपाल से आए हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर नरसिंहपुर से आए हैं। नेपाल वाले पहले खड़े हो जाएं। सावित्री देवी, नंदलाल पाठक, शांति देवी पाठक, पूजा देवी कुंवारी पूजा, हरिओम पाठक, मधु देवी पाठक कुंवारी मधु, भतीजा कुलदीप और कंधई पाल, नेपाल से 8 मूर्ति आई हुई हमारे लिए। ब्रेसलेट भी लाए हैं, चांदी का सिक्का लाए हैं, 5100 दक्षिणा इंडियन रुपये, 3000 नेपाली रुपये, 810 आरती वाले रुपये, 410 गुल्लक वाले रुपये, 9312 रुपये की भेंट समर्पित किया है। फल फूल आदि भी भेंट किया है और श्रद्धा बहुत है, बहुत बड़ी श्रद्धा है। अपना ब्रेसलेट लाइए और चांदी का सिक्का भेंट करना चाहते हैं, आ जाए परिवार सहित। नरसिंहपुर से जबलपुर से श्री संतोष पटेल साहब खड़े हों, प्रभावाई पटेल, विजय कुमार पटेल लोधी, प्रीति लता, नरसिंहपुर से श्री पुरुषोत्तम पटेल, उमेद भाई पटेल, रोशन सिंह पटेल, ये भी 7 मूर्ति आए हुए हैं।
ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। संजीत बैठ जाओ तुम लोग। संजीत कुमार धवन 2 वर्ष पहले गाड़ी खरीद कर लाए थे। ये 3 किलोमीटर पर घर है। आज उस गाड़ी के उपलक्ष्य में 1 किलो मिठाई और 101 रुपये दान लेकर आए हैं। साथ में 3 भगत अशोक शिव कुमार सरोजनी को भी लाए। खड़े हो जाओ, ताली बजा दो। बड़ी श्रद्धा है। वो गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी तरफ कैमरा घुमा दो। मैंने एक संत से कहा था उधर कैमरा घुमाना, वहाँ गाड़ी खड़ी, इधर नहीं है, आप घुमाइए। हाँ, बाबा ने घुमाया है, गाड़ी दिखा दो, मान जाओ मेरे लाल। ये ब्रेसलेट, ये चांदी का सिक्का नेपाल का भेंट किया जा रहा है। ये ब्रेसलेट पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, छू लो, छू। ये गुरु की पहनने के लिए है, ऐसे गुरु पहनेगा, चेक कर लेगा साहेब बन बंदगी का। चलिए बैठ सकते भक्तगण। सोना चांदी की गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। उस सोना चांदी से बहुत सुंदर उज्जैन में और अयोध्या में धर्म मंदिर बनेगा, क्षमा मंदिर बनेगा, भक्त मंदिर बनेगा, जहाँ पर लाखों भक्तों की सेवा होगी। आपकी इच्छा भी हो चुकी है कि नेपाल में आश्रम आपका बनाने की कार्य योजना में मुझे लग जाना है। नेपाल राष्ट्र आश्रम भी बनेगा, ठीक है। चलिए शुभारंभ करूं। राम रसिक रस पियोगे। पाठक जी यहाँ आ जाइए, संतोष जी यहाँ आ जाए, ऊपर आके प्रणाम करने। संतोष पुरुषोत्तम पटेल। राम रसिक रस पियोगे, पियोगे जुग जियोगे, राम रसिक रस पियोगे, राम रसिक रस पियोगे, पियोगे जुग जियोगे, कोई राम रसिक रस पियोगे, राम रसिक रस पियोगे। फलिलंकृत बीज नहीं बकला, फलिलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तारस खाई। साथ में गाना, आगे पीछे नहीं। सुख पंछी तहां रस खाई,
चुवई न बुंद। शुक पंछी का दर्शन हुआ है स्क्रीन में। चुवई न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भमरे संग लाई, को राम सिख रस पियोगे, को राम सिख रस पियोगे। संत कबीर राम रस की बात कर रहे हैं। राम रस एक ऐसा रस है जिसको पान करने के पश्चात जीव का जीवन सरस हो जाता है। दुनिया के सभी रस ग्रहण करने के पश्चात भी जीवन नीरस रहता है, परंतु राम रस जीवन को सरस बना देता है, मधुरस बना देता है, अमीर रस बना देता है। अमृत राम रस, रस मधुमक्खी रस की प्रेमी होती है। मधुमक्खी विभिन्न फूलों के रस को अपने मुंह में भर लेती है और अपने छत्ते में लाकर इकट्ठा करती है, फिर वो मधुरस बन जाता है, जिसको इंग्लिश में हनी कहते हैं, हिंदी में शहद कहते हैं और आयुर्वेद में जिसको मधु कहते हैं, जो एक दवा के काम आता है, बीमारी से छुटकारा दिलाता है। मधुरस इस जगत में बहुत से रस हैं। कौन सा रस आप लेते हो, किस रस में रुचि है, किस रस में तुम्हारा आकर्षण है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कलयुग में दारू भी है और दूध भी है, तुम्हारा मन दारू का चुनाव करता है कि दूध का चुनाव करता है। बहुत बड़ी बात है, दारू और दूध। दूध से शरीर में शक्ति आती है, दूध शक्तिशाली होता है, दूध संपूर्ण आहार है। यदि आप कुछ भी नहीं खाते हैं, केवल दूध पी लेते हैं, तो भी आपके शरीर में शक्ति बनी रहती है, कमजोरी नहीं आती। दूध कोई साधारण चीज नहीं, फल सात्विक और साधनाशील लोगों के लिए अमृत भोग है, परंतु अधिक फल सर्दी भी कर देता है, अधिक दूध पेट को खराब कर देता है। लेकिन दूध को संपूर्ण आहार का स्थान दिया गया है, क्योंकि दूध में
समस्त तत्व होते हैं। इसलिए बचपन में बच्चा केवल मां का दूध पीता है और मां के दूध पीकर वो बच्चा बिल्कुल पहलवान बना रहता है। बहुत सुंदर है। कभी कभी बच्चा भी लालच में ज्यादा पी लेता है तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाता है, लेकिन बुद्धिमान माँ उसको सीमित पिलाती है, ज्यादा नहीं पिलाती। कुछ माताएं तो दूध, अपना दूध तो नहीं पिलाती है, एक बोतल में गाय या बकरी का दूध भर के उस बोतल के ऊपर दूधपी लगा देती है। वो प्लास्टिक की दूधपी होती, रबड़ की, उससे बच्चा पीता रहता है। बच्चा धोखा खा जाता है, वो समझता है यही मेरी माँ है। उस दूधपी से, उस बोतल से प्रेम हो जाता है उसको। यदि उसकी माँ मर जाए तो बच्चा नहीं रोता है, उसकी वो दूध की बोतल जब फूट जाती है तब रोता है, क्योंकि उस बालक का लगाव उस दूध की बोतल से है, ना कि माँ से। क्योंकि माँ के बदन को उसने विशेष स्पर्श नहीं किया है, इसलिए उसे माँ से लगाव है। गुजरात में एक छोटे से बच्चे की माँ की मृत्यु हुई। मरी हुई लाश माँ की पड़ी है, बच्चा पास में है लेकिन रोता है। बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, किलकारी मार रहा है। तो सबने कहा कि ये बच्चा रोता क्यों नहीं है, दूध कहाँ से पिएगा, माँ मर गई है, माँ लाश हो गई है, और ये दुख भी नहीं इसको। तो बच्चे का बाप बोला, माँ के मरने से बच्चा नहीं रोएगा, ये दूध की बोतल फूट जाएगी तब रोएगा, क्योंकि इसका दूध की बोतल से ही प्रेम है, दूधपी से दूध पीता है। प्रायः बीमारी ना हो तो हर माँ को अपने आंचल का दूध बालक को पिलाना चाहिए। दूध, माँ का दूध, उसे अमृत का स्थान दिया गया। अमृत, गाय का दूध भी अमृत है, बकरी का दूध बहुत लाभदायक है, भेड़ का दूध भी लाभदायक है, भैंस का दूध भी, जवान हो जाओ तो भैंस का दूध पियो। भैंस का दूध पीने से नींद बहुत आती है, भैंस जैसी सुस्ती आती है। कि जो भैंस का पड़वा होता है ना, भैंस का दूध पीता है, दूध पी करके सुस्त पड़ा रहता है, वो भैंस के दूध का असर है। गाय का दूध पी करके गाय का बच्चा जो बछड़ा है उछलता है, कूदता है, सुस्त नहीं रहता है। लेकिन भैंस का बच्चा भैंस का दूध पी करके सुस्त पड़ा रहता है। इसलिए जो लोग भैंस का दूध ज़्यादा ग्रहण करते हैं वो पड़वा की तरह पड़े रहते हैं, उन पे पड़वा के लक्षण उनमें आने लग जाते हैं। पर भैंस का दूध भी कोई खराब नहीं, अच्छा दूध। लेकिन सबसे अच्छा आहार दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सबसे श्रेष्ठ आहार। इससे संपूर्ण तत्व, खनिज तत्व, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सभी बॉडी को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सब्जी भी खा लिया करो, हरी सब्जी, थोड़ा सा चावल खा लो। थोड़ा सा चावल का अर्थ है नहीं कि तसला भर के चावल। कितने लोग तो बहुत ज्यादा खुराक उनकी हो चुकी है, 10-10, 20-20 रोटी भी लोग खाते, पूरे
कुंभकर्ण है, बहुत ज्यादा खाते, खाने के बाद कराहते भी, आह आह कुं कुं टुन्नूलाल, उनको तकलीफ होती है, मत खाना। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम है। राधो वाह। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। ज्ञानी विचारक कहता है कि अपने पेट की मोटर में सवारी कम भरो। उसने भोजन को सवारी कहा, एक रोटी का मतलब एक सवारी, दो रोटी दो सवारी, तीन रोटी तीन सवारी। अब कितने तो लोग ओवरलोड, हेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। गादो शर्माओ मत, हेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, आरज़ू मंदान सेहत याद रखें ये उसूल। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वे लोग इस उसूल को, इस नियम को याद रखें। कौन सा नियम है? आरज़ू मंदान सेहत याद रखें ये उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले पटेल साहब, शाम को खाने के बाद, मुस्करा कर चल दिए हो कुछ हमसे फरमाने के बाद, मुस्करा कुछ कहने के बाद मुस्करा दिए फिर चल दिए। बड़ा सोच हो गया, जो कहा तो कहा लेकिन मुस्कराए क्यों, और मुस्कराया तो मुस्कराए लेकिन चल क्यों दिए, बड़ा रहस्य हो गया। मुस्करा कर चल दिए हो कुछ मुझसे फरमाने के बाद, बिजलियां चमका रहे हो, बिजलियां चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद।
गाइए। दस मिनट हर रोज पहले शाम को खाने के बाद, मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, जल्दी सोना जल्दी उठना घूमने जाना सुबह, जल्दी सोना जल्दी उठना घूमने जाना सुबह। दो काम है, जल्दी सोना और जल्दी उठना। कठिन है, लोग देर में सोते हैं और देर में उठते हैं। रोज माँ बाप समझाते हैं, हाँ हाँ कर देते हैं और कल फिर वही काम करते हैं। जिस घर के लोग देर में सोकर उठते हैं उस घर की शांति नष्ट होती है, लक्ष्मी रूठ जाती है, वो घर विकास नहीं करता है। इसलिए सवेरे जल्दी उठने का अभ्यास कीजिए। जल्दी सोना जल्दी उठना घूमने जाना सुबह। तीसरी शर्त है कि घूमने भी जाओ, ऐसा नहीं सोकर उठ तो गए फिर बिस्तर पर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, ओटला पे बैठे हैं, झूला पे बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं, बिना खुल्ला दतून के चाय पी रहे हैं, घर वालों को खूब गाली बक रहे हैं, अरे छोड़ो निकल जाओ। जल्दी सोना जल्दी उठना घूमने जाना सुबह। सुबह घूमने जाओ, टहलने के लिए जाओ, मॉर्निंग वॉक में जाओ, पैदल चलो, लंबी चाल चलो, तेज चलो। सुबह का पैदल चलना 100 रोगों की दवा है, बिना दवाई के स्वास्थ्य ठीक होगा। सुबह पड़े रहो तो सड़े रहो, बिल्कुल गोबर की तरह सड़ जाओगे, बहुत बदबू उठोगी। नंदलाल उठो, जागते हो कि नहीं? सुबह जागना, बोलो साधु बाबा, कौन कौन साधु सुबह नहीं उठता है, पकड़ो उसको टीवी में दिखाओ, बदनाम करो। कौन कौन भगत नहीं जागता है सवेरे, उसको टीवी में दिखा के पूरा नाम खराब कर दो उसका, क्यों नहीं जागता है ये बाबा। जल्दी सोना जल्दी उठना घूमने जाना सुबह। महिलाओं को सुबह उठ करके खूब झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, किचन को साफ करो, बर्तनों को फ्रेश करो, दौड़ कर नाश्ता बना दो, इसी में व्यायाम हो जाएगा। घर का सामान सेटिंग कर दो, झाड़ झूड़ दो सामान सब, कचड़ा पचड़ा मकड़ी का जाड़ा निकालो और आंगन से द्वार, द्वार से आंगन, कमरे से छत पे सीढ़ी उतरो चढ़ो, व्यायाम बहुत हो जाएगा। घूमने जाना सुबह, घूमने जाना सुबह। यदि समय मिले तो पति पत्नी दोनों अपने घर पे जगह हो तो घर के चारों ओर घूमिए। कभी घर बनाइए तो ऐसे बनाइए, कैसे बनाइए, चाहे जैसे बनाइए, लेकिन घर के चारों ओर काफी जगह छोड़िए, साफ सुथरा, दूर से पेड़ लगाइए, बहुत सुंदर आंगन बनाइए, पीछे भी रास्ता टहलने का, पूरे अपने घर के 21 राउंड कर दीजिए। सब्जी उगाइए पीछे साइड में थोड़ी सी, फूल भी उगाइए, थोड़ा उनकी घास निकालिए, अरे इतनी अच्छी कोठी बनाइए, बंगला बनाइए, बहुत सुंदर घर बनाइए, और बड़ा बनाइए, छोटा मत बनाइए, कभी गुरुजी आ जाए तो भी थोड़ा ठहर सके। 10 मिनट हर रोज टहले
शाम को खाने के बाद दस मिनट हर रोज पहले शाम को खाने के बाद जल्दी सोना जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठ जाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा ऑक्सीजन नाक के माध्यम से मस्तक में जाती है, दिमाग बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। सुबह देर तक सोने वाले लोग रात में देर तक जागने वाले लोगों की मेमोरी वीक हो जाती है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, याद नहीं होता है। खोपड़ी रहती है पर खोपड़ी में दिमाग नहीं रहता है। लोग खोपड़ी देखते हैं बड़ी सी, सोचते बड़ा बुद्धिमान होगा, लेकिन उनको तब पता चलता है जब कुछ बात करते हैं तो लगता है बड़ा मूर्ख है। क्यों? सवेरे उठता नहीं है इसलिए। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। सुबह का घूमना, सुबह का पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए टॉनिक है। गुजरात के लोग अब सुबह सुबह पैदल बहुत चलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत शुगर की बीमारी गुजरात में फैल रही है, हार्ट अटैक की बीमारी, लकवा अटैक की बीमारी गुजरात में बहुत ज्यादा हो गई। शुगर, हार्ट, लकवा अटैक, बीपी, चार बीमारियां सबसे ज्यादा गुजरात में। क्यों? क्योंकि लोग खाते तो ठीक से थे पर घूमते बिल्कुल नहीं थे, ढेर की ढेर बैठे थे, उसका रिजल्ट आ गया। जितना व्यक्ति आलसी है हमेशा बीमार रहता है, हमेशा कांकता रहेगा, बस रोज कभी ठीक होंगे ही नहीं। अरे चंदू भाई क्या कर रहे, घर वालों को क्यों दुख दे रहे? समय और श्रम और पैसा, स्वास्थ्य क्यों बर्बाद कर रहे? शरीर थोड़ा व्यायाम मांगता है, शरीर योगा भी मांगता है, और शरीर पैदल चलने के लिए इंतजार कर रहा है। और शरीर स्वस्थ हो तो भी जिंदगी की पूरी सफलता नहीं है, आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति कब मिलेगी? जब आपका मन भी स्वस्थ होगा। मन की बीमारियां अलग हैं, उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आहा, राग, द्वेष, विषय वासना, आसक्ति, मोह, ममता, ये सब मन की बीमारी है। लोगों का मन भी बहुत रोगी है, मन में गुस्सा बहुत आती है, क्रोध बहुत भयंकर है, बिल्कुल आग बबूला। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे छोटे भाई के नाक पर गुस्सा रहती है, यहाँ बोले नाक के अगले हिस्से पर गुस्सा बैठी रहती है। भाई ने कहा वहां जगह बहुत कम है, लुढ़क जाएगी ना। अरे बोले वहीं टिका के रखता है, जरा सी बात हो जाए एकदम भड़क जाता है, गर्म हो जाता है, तन 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 झन 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 झन। कितने लोगों के नाक पर गुस्सा बैठी, कितनों के मस्तक पे बैठी, कितनों के पलकों पे बैठी है, कितनों के कान पे बैठी है, कहां कहां ये क्रोध बैठा। ये मन की बीमारी है, सहन शक्ति नहीं है, गम नहीं खा सकते, क्षमता नहीं है, चाहते हैं जो भी हो मेरे मन का हो, संभव नहीं है। तुम्हारे मन की न सड़क है तो उस पर निकलते हो कि नहीं निकलते? तुम्हारे मन की ट्रेन नहीं है, तुम्हारे मन की हवाएं नहीं है, तुम्हारे मन की पहाड़ नदी नहीं है, तुम्हारे मन का इस संसार में है क्या? तुम्हारे मन का तुम्हारा चेहरा नहीं है, क्या करोगे? हथौड़ी छेनी से ठोकोगे इसको?
तुम्हारे मन के तुम्हारे शरीर का कलर नहीं है, रंग नहीं है, तुम्हारे मन के तुम्हारी अंगुलियां नहीं है जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारे हाथ पांव नहीं है, तुम्हारे मन की तुम्हारी कमर नहीं है, उसमें दर्द होता है, तुम चाहते थे ऐसी कमर हो, कुछ भी ढों सामान लेकिन पक्की रहे। वो हिल गई कमर, कमर हिलैला, जिला हिलैला। तुम्हारे मन का कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मन का पेड़ पौधा नहीं है, फूल नहीं है, तुम्हारे मन की व्यवस्था कुछ है ही नहीं, तुम्हारे मन का भोजन भी नहीं है, तुम्हारे मन की थाली भी नहीं है, तुम इसीलिए बहुत दुखी हो, मन चाही ढूंढ रहे हो और मन चाही होती नहीं, मन चाही संभव। आहा, मन चाही। गाइए गाइए, भाव से गाइए। हम तरसते रहे। वाह। राजे गरज है ये तेरी, सेहत का राज पाने के बाद मुस्करा कर चल दिए हो। संतोष पटेल, मुस्कराइए, मुस्करा कर जबलपुर से चले हो। जबलपुर, नरसिंहपुर, सही बात है। क्या खुशी थी, 15 दिन पहले से योजना बन रही थी, दामाद से भी पूछते थे चलना है, तुम भी चलना, बेटी से कहते थे प्रीति तू भी चल, अपनी वाइफ से कहते थे आप भी चलोगी, बोली मैं तो सबसे पहले चलूंगी। प्रभात जी बोले फिर पुरुषोत्तम पटेल वकील साहब को फोन लगाओ, वो भी चले तो ठीक लगेगा। पुरुषोत्तम बोले मैं तो चलने के लिए दीवाना हूँ, क्या करूँ, कोई साथी मिलना चाहिए। पुरुषोत्तम ने अपने भाई से कहा, ए भाई तुम भी चलोगे भाई साहब? तो भाई ने कहा मैं भी चलूंगा। रोशन सिंह पटेल, उमेद सिंह पटेल, दो मूर्ति उनके साथ भी आ गया। धन्य हो गुरु के दर्शन के लिए जो साथ में आए, उसको बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि सीता की खोज करके हनुमान जी जब लौटते हैं तो समुद्र तट पर समस्त बानर रीछ भालू बैठे हैं, हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचते हैं। भगवान श्री राम सबको आशीर्वाद देते, साथ साथ आने का आशीर्वाद मिल गया। राम कहते हैं सीता की खोज हुई? बोले हो गई। बोले सब लोग साथ में गए थे, साथ में आए? बोले हाँ सब साथ गए, साथ आ गए, सबको आशीर्वाद। मुस्कराने लगे सब रीछ भालू बानर की। वाह, काम तो हनुमान जी ने किया, सम्मान हमको भी मिल गया, साथ साथ का फल मिलता है। तुम किसके साथ में हो इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री के साथ तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारी वक्त बढ़ जाएगी, लेवल बढ़ जाएगा। और शराबी के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा लेवल गिर जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ में तुम फोटो खिंचा लो, फोटो तुम डाल दो फेसबुक पे, देखने वाले की नजरों में तुम्हारी वक्त बढ़ जाएगी। गुरु के साथ में फोटो खिंचा लो, डाल दो, देखने वाले का अरे ये गुरु जी के पास ये कैसे पहुंच गया, इतना नजदीक फोटो खींच लिए, वक्त बढ़ जाए। लेकिन याद रखना, किसी आतंकवादी के साथ में फोटो खिंचाकर डाल दो तो आतंकवाद से कनेक्शन का संदेह तुम्हारे ऊपर किया जाएगा और तुम्हारा मूल्य गिर जाएगा। सम्मान तो नहीं होगा लेकिन पुलिस की जांच जरूर होगी कि आतंकवादी के साथ तुम्हारा फोटो है, कुछ है लेना देना आपका, तुम चक्कर में फंस जाओ।
इसलिए हम किसके साथ पैदल चल रहे हैं, किसके साथ गाड़ी में बैठे हैं, किसके साथ बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, किसके साथ यात्रा कर रहे हैं, किसके साथ घर में रह रहे हैं, किसके साथ में हम जिंदगी जी रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए साथी का सही चुनाव करना चाहिए। जोर से बोलो जय जय जय। बोलो जय बोलो। क्षमा साहेब ठीक बैठ जाओ, अभ्यास करा देंगे, सब सीख जाओगे। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। सुंदर फूल को देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है कि कितना सुंदर फूल है। पड़ोस में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति कहता है, फूल से जाकर पूछो इतनी बहार कैसे आई, इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती, इतनी खुशबू, इतनी सुगंध, इतना आकर्षण कहां से फूल में आया, क्यों आया, कैसे आया, पूछो जाकर। पूछा, फूल के आंसू आ गए, फूल रो पड़ा। फूल बोला, क्या कि तुम पूछ रहे हो ये बहार कैसे आई है। अरे ये फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। कोई आदमी मकान बनाता है, तुम कहते हो बड़ा सुंदर मकान है, लेकिन उससे पूछो मकान बनाते बनाते क्या दशा हुई है, उससे पूछो ये जबलपुर मकान बना कैसे है, तो उस कहानी को सुनाते सुनाते उसके आंसू आ जाते कि इतना झंझट, इतना तकलीफ आई, समस्या पर समस्या। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे कब तलक कांटों पे सोया। फूल रो रो कर कह रहा है कि तुम बाहर पूछ रहे हो ये पूछो कब तक कांटों की गोद में सोया। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। आज जिसकी जिंदगी में खिलावट दिख रही, जमावट दिख रही है, सुंदरता दिख रही है, उन्नति दिख रही, विकास दिख रहा है, नाम है, उससे पूछ लो कैसे इस मंजिल तक पहुंचे हो। उस कहानी को जब वो सुनाता है तो रोने लग जाता, बहुत दुर्दशा हुई। धीरू भाई अंबानी भी जब अपनी कहानी सुनाते थे रोने लग जाते थे, रतन टाटा भी रोने लग जाते थे। बहुत कठिन है कहानी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जब कहानी सुनाते हैं बचपन की, रोने लग जाते, आंसू पोंछ पहुंच लेते। ये बड़ी कठिन है कहानी, साधारण कहानी नहीं। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने की बात। जब तुम हर तरह से कमजोर होते हो ना, वाह बहुत अच्छा। कोई गाया, कौन गाया? अच्छा उसी में कर दिया। नहीं ठीक है, उसको भी बाहर आ गई है। दुख
आज एक भक्त की प्रार्थना आई है, जिला गोरखपुर आदित्यनाथ के दरबार से, सीएम के दरबार से भक्त अमरनाथ यादव जी ने आज के सत्संग से खुश होकर 1100 की दक्षिणा ट्रस्ट के अकाउंट में भेजा है गुरु सेवा के। बहुत अच्छे, धन्य हो अमरनाथ, धन्य है गोरखपुर, धन्य है आदित्यनाथ। गोरखनाथ बाबा का मंदिर है, गोरखनाथ ने सपना दिया कि तुम असंग के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे ही कल्याण होगा, उनका सत्संग सुनो। तुम अमरनाथ में गोरखनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, लेकिन तुमको सबको सनात करेंगे क्षमादेव के आशीर्वाद से, असंग बाबा सनात कर जाओ। इधर मन लग गया, दूसरा भक्त है गुरुदेव के श्री चरणों में आशीर्वाद मांगता हूँ, सेवा भेंट करता हूँ। भक्त श्री देव सिंह राजपूत, रणधीर सिंह राजपूत, आशीर्वाद के लिए 1100 की सेवा राशि भेजकर आशीर्वाद मांगा है। कहाँ के रहने वाले हो ये पता नहीं, अतः पता पर्चा देने वाले ने लिखा नहीं। इतना बड़ा विश्व है, इतने देश हैं, इतने प्रदेश हैं, इतने गांव हैं, कुछ पता ही। ये भी देखिए कितना बड़ा करिश्मा है, बिना पता कि रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, पता ही नहीं। दूसरे तीसरे दान दाता हैं राजस्थान जयपुर से शंकर सिंह जी, आपने गुप्त धान 200 की राशि भेजकर आशीर्वाद मांगा है कि गुरुदेव मुझ पर भी कृपा करना, मैं छोटा सा आपका भक्त हूँ। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, कमाई तुम अपनी सेवा में लगाओगे तो क्या होगा, कमाई तुम अपनी सेवा में लगाओगे तो क्या होगा, लगाओगे तो क्या होगा, लगाओगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा, इसी से सब कुछ होगा, चरित्र सुधारोगे तो क्या होगा। आदमी चेहरा सुधारता है, शरीर सुधारता, कपड़े सुधारता, घर सुधारता, बाग बगीचा सुधारता, लेकिन चरित्र को सुधारना भूल जाता है।
प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। स्वभाव सुधारो, चरित्र सुधारो, व्यवहार सुधारो, विचार सुधारो, वाणी सुधारो, आदतें सुधारो। अरे सुधार का अभियान चालू कर दो, सब बिगड़ा है मामला। बहुत कुछ सुधरना है, नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर सब ठीक करना है, सब सुधारना है। याद रखना है, सुधारना आ जाए वही सामान है, सुधार के रख दो, ठीक से रख दो तो सुंदर लगने लगता है। वही जिंदगी है, उसको सुधार लो तो जिंदगी आकर्षक लगने लगती है। और जिंदगी को सुधार ना पाओ, जिंदगी बिगाड़ लो तो वही जिंदगी प्रदूषित होने लगती है। इसलिए सुधार एक साधना है, और आपके सुधारने के लिए बहुत से लोग आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। मंदोदरी रावण से सुधार के लिए प्रार्थना करती है। मंदोदरी समझदार महिला है, रावण को समझाती है, हे नाथ सुधार करो, उद्धार करो, बेड़ा पार करो। रावण नहीं समझता, सुधार नहीं करता। अहंकारी कभी सुधार नहीं कर सकता है, अभिमान सुधार नहीं करता है, क्रोध भी सुधार नहीं करता है, मदांध व्यक्ति सुधरता नहीं। बहुत सुधरने के लिए कुंभकर्ण ने भी रावण से प्रार्थना किया था, हे भाई साहब थोड़ा समझ लो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राम अवतार हो चुका, उनकी सीता को वापस कर दो। नहीं सुधार किया। सुधार के लिए कौन समझाता है? या तो आपकी माँ बाप समझाएंगे, लेकिन माँ बाप से जब नाराज होने लग जाओगे तो भी सुधार के लिए समझाना बंद कर दो। कितने माँ बाप ने सुधार के लिए समझाना बंद कर दिया। बेटे बहू को नहीं समझाते, बहू के सुधार के लिए साधु सासू ही समझाते, शिष्य के सुधार के लिए गुरु समझाते, भाई के सुधार के लिए भाई समझाते, बहन भी समझाती है कभी कभी, भाई साहब शराब ना पिया करो। अरे भाई साहब, तुम्हारी वाइफ भी समझाती है कि गाली ना बका करो, अच्छा नहीं लगता है। फिर वो गाली बक देता है, सुधार नहीं हो रहा है। कितने पति अपनी पत्नी को सुधार के लिए समझाते हैं कि सासू माँ की थोड़ा गम खा लिया करो, उलझा ना करो, नाराज ना करो। अब वो पत्नी कहती है तुम अपनी माँ का पक्ष लेते हो, हमी को समझाते हो, उनको क्यों नहीं कहते हो? अब पति देव संकट में फंस जाते हैं, क्या समझाऊं, किसको समझाऊं। माँ को समझाता है जब बेटा, तो माँ कहती लो जब से शादी हो गई तुम पत्नी के गुलाम बन गए, बस हो गया, अकल ठिकाने आ गई। अब वो बच्चा संकट में फंस गया, एक तरफ पत्नी का दरेरा, दूसरी तरफ माँ का जमघट चालू है, दोनों के बीच में पिस रहा है। कबीर कहते हैं दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक तरफ सासू का पाठ चल रहा, दूसरी तरफ पत्नी का पाठ, दोनों के बीच में कमजोर पति दरा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, उसकी हालत खराब है। जो सुधार के लिए कहता है आपको, ज्यादातर वो आपको दुश्मन जैसा दिखता है। जो आपको कुछ ना कहे, अरे फिर क्या बात, तब तो आप कहते ये बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कहते नहीं,
लेकिन वो अच्छे नहीं हैं, बहुत नालायक आदमी, तुमको बिगड़ने में मौन रूप से मदद कर रहा, चुपके से मदद कर रहा, कुछ नहीं कह रहा, बोल नहीं रहा है, तुमको बिगड़ने के लिए इशारा दे रहा है, तुम बिगड़ जाओगे। जय 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 जय। आपको सुधार के लिए कोई समझाता है उसको धन्यवाद दीजिए, आपको बहुत मानता है, उससे प्रेम कीजिए, नाराज मत होइए। कभी कभी माँ बाप अपनी बेटी को सुधार के लिए समझाते हैं और कभी कभी डांटते भी कि ये बेटी चंचलता मत कर, ठीक से रह। और 10 साल से लेकर के जो 25 साल तक की उम्र है ना, इसमें शरीर के अंदर बहुत सिस्टम और शक्ति विशेष पैदा होती है। मन भी चंचल, दिमाग भी तेज, शरीर भी शक्तिशाली। अब ऐसी कंडीशन में सुधरना बहुत कठिन है। विषय वासनाएं अलग से खींच रही हैं, काम वासना उथल पुथल मचा रही है, अहंकार भी चरम सीमा को क्रॉस कर रहा है, ये साधारण बात है। इसलिए 12 साल के बच्चे को नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है, 18 साल के बच्चे को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा कठिन है, और 22 साल 25 साल 26 साल की उम्र हो जाए तब तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, कुछ उपाय नहीं। कितने लोग तो इतने नाजुक हैं कि सुधार की बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम सुधार की बात कहोगे उतने से ही वे तुमसे नाराज हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे, और दूसरी दूसरी जगह बोलेंगे जा करके, अरे उनके पास जब बैठो तो उनका वही आला शुरू, तुम्हारे सुधार की बात को आला बताते। कभी कभी कहते अरे उनकी तो रामायण शुरू हो जाती तो बंद ही नहीं होती, हमारे पिताजी तो बहुत रामायण सुनाते रहते, क्यों सुनाते हैं, सुधार चाहिए। ये बार बार चौपाई गाना पड़ता है, प्रात काल उठी कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। क्यों? क्योंकि ये चौपाई अनुपालन में आती नहीं है, लोगों के जीवन में चरितार्थ नहीं होती, इसलिए बार बार गाना पड़ता, बार बार सुनाना पड़ता, प्रात काल का उठना। प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। आपके पिताजी समझाते हैं सुधार के लिए, डांटते हैं सुधार के लिए, पुचकारते हैं सुधार के लिए, सुनाते हैं सुधार के लिए, उनसे नाराज मत हो। सुबह शाम उनके पैर छू, आशीर्वाद लो कि धन्य हो पिताजी। एक महान पत्रकार गुना में मुझको मिला, मध्य प्रदेश में, और बोला कि रोने लगा, बोला पिताजी मर गए, अब मुझको समझाने वाला डांटने वाला कोई नहीं बचा, गुरुदेव बिगड़ जाऊंगा मैं। तो मैंने कहा मैं हूं ना, प्रवचन सुनते रहना, उसमें बहुत डांटता हूं मैं, समझाता हूं, सुधारता हूं। बोले वही तो सहारा, इसलिए आपसे रोया पत्रकार। ये तो माँ बाप की मृत्यु के बाद में उनकी कीमत पता चलती है, सास ससुर के मृत्यु के पश्चात में उनके महत्व का पता चलता है, पति के मरने के बाद पत्नी को पता चलता है कि पति क्या चीज होता है। आहा, गुरु के मरने के बाद शिष्यों को एहसास होता है कि गुरु क्या था।
शिष्य के मरने के बाद गुरु को फील होता है कि मेरा नारायण दास कितना अच्छा था, मेरा हरीश साहा बहुत अच्छा था। व्यक्ति की अनुपस्थिति उसकी कीमत, उसके मूल्य, उसके महत्व को एहसास कराती है, याद दिलाती है। तुम्हारे घर में जिस दिन नमक नहीं होता है तो नमक के महत्व को तुम याद करते हो कि आज रसोई में क्या डालूं, नमक नहीं, चार आने का नमक पड़ता है सिर्फ उसमें, उतना भी नहीं पड़ता है दाल में, सब्जी में, लेकिन नमक को कभी तुम महत्व नहीं देते हो, कभी धन्यवाद नहीं देते हो। नमक को एक साधारण डिब्बे में रख देते हो, उधर पड़ा रहता, इधर लुढ़कता रहता, उसका पैकेट 10 रुपये का 1 किलो मिल गया, क्या फर्क है। लेकिन जिस दिन नमक नहीं होता है उस दिन आपको एहसास होता है कि नमक नहीं है, अब भोजन में स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही आपकी जिंदगी में हर व्यक्ति का बड़ा महत्व। जिस दिन नौकर नहीं आता है, नौकरानी नहीं आती है, दास दासी नहीं आते, उस दिन पता चल जाता आज नौकर नहीं आया, कितना बड़ा फॉल्ट हो गया। जिस दिन घड़ी बंद हो जाती उस दिन घड़ी के महत्व का पता चलता। घड़ी रोज चलती रहती है, रोज चलती रहती, टाइम बताती रहती है, तो तुम घड़ी को न धन्यवाद देते हो, न घड़ी को याद करते हो, टाइम देख लेते हो, अपना काम चला लेते हो। लेकिन जिस दिन घड़ी बंद हो गई तब तुम कहते हो घड़ी क्या बंद हो गई, सेल डाउन है क्या, बिगड़ गई है क्या, देखो जरा इसको, उतारो जरा इसको। लेकिन उससे पहले तुम घड़ी को भूल गए थे। प्रातः काल उठी कई रघुनाथा। अब प्रातः काल लोग उठते ही नहीं हैं, तो माता पिता को प्रणाम कैसे करेंगे जब उठते ही नहीं है। पहला ही टॉपिक खत्म कर दिया, सोते ही रहते हैं और माता पिता दूर से देखते रहते हैं कुंभकर्ण सो रहा है। और कितनी बहुएं भी बड़ी आलसी बहू है, खूब सोती है, पति पत्नी दोनों कसम खाकर कंपटीशन पर सोते, बूढ़े सास ससुर कमजोर हो चुके हैं, कहें तो घर में तांडव शुरू है, महाभारत शुरू है, ना कहें तो देख देख कर सह भी नहीं पाते, कभी कभी कह देते, कहते कहते भी थक गए, अब सोचते हैं रहने दो, जो है चलने दो। मात पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता को, गुरु को मस्तक झुकाना चाहिए, नमन करना चाहिए, पति के पैर छूना चाहिए, बहनों का सम्मान करना चाहिए, बड़े भाई के पैर छूना चाहिए, सास ससुर के पैर छूना चाहिए, दूसरों का आदर करना भी सीखो। को राम रसिक रस पियहुगे। कबीर साहब पूछ रहे हैं कि कोई राम का रसिक है जो राम रस पियोगे, पियोगे तो युगों युगों तक जियोगे। राम रस विषय रस और माया रस, इसमें सुख नहीं। जितना तुम माया का रस लोगे उतना ही ज्यादा दुखी रहोगे, टेंशन में रहोगे, असमंजस में रहोगे, शांति नहीं पाओगे। माया के रस का त्याग करके जब तुम राम रस, ज्ञान रस, भक्ति रस, सेवा रस में डूबते हो, सुख मिलना शुरू हो जाता। गुरु के दर्शन का रस लीजिए, गुरु के सानिध्य का रस लीजिए और प्रवचन का रस लीजिए। प्रवचन में भी रस आता है। ऐसे तो 11 रस होते हैं,
मुख्य नौ रस होते हैं, हिंदी में पढ़ाया जाता है। हास्य रस भी रस है, वीर रस, करुण रस, ये सब रस है। लेकिन मैं जिस रस की बात करता हूँ ये अलग रस है, ये राम रस है, यानी सदाचार का रस राम रस है, भक्ति का रस। राम में जो जो गुण है उन गुणों के यदि तुम रसिक हो तो समझ लो राम के रसिक हो। को राम रसिक रस पियहुगे, गाइए। को राम रसिक रस पियहुगे, कहाँ कहाँ किसको कब कब कैसे कैसे रस आता है कुछ पता दे। बच्चों को खेलने में रस आता है, किसी को मोबाइल में खेलने में गेम देखने में रस आता है, और किसी को बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम भांग शराब में रस आता है, किसी को मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा भैंसा खाने में रस आता है, किसी को नाच नौटंकी देखने में रस आता है। अरे ऐसा नाच देखते हैं टीवी में, खूब नाच देखते हैं लोग, नाचने वाले भी मजेदार ऐसा कमर घुमाते हैं चक 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 चक, और खूब डाल के दुपट्टा और लहंगा और घेंघरा और घेंघरे का घेरा बनता है तो फिर घूमते रहते हैं। ये लड़कियां बहुत नाचती हैं, ऐसे हाथ घुमाती है, ऐसे ऐसे बुलाती है, इधर उधर करती है, फालतू नाटक करती है। ये सब कहाँ कहाँ किसको रस आता, किसी को नाचने में रस है, किसी को नचवाने में रस है, और किसी को नाच देखने में रस है। दिन भर खड़े देखते रहते, गांव में कोई जादूगर आ गया, डमरू बजा दिया, अब वहीं खड़े हैं दो घंटे से, उसमें रस आ रहा, सांप देख रहे, नेवला देख रहे, कछुआ देख रहे, फूटा कुआं देख रहे, फूटा कुआं झांक रहे, लोग कहते पुराना कुआं है उसको झांकने गए। कितने लोगों को तो घूमने में रस आता है, बस घूमते रहते हैं, बिना उद्देश्य के घूमते हैं। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दारा विमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैश्रम मद्यपानम चार ना सेवते यश्च सुखी सदे। वो कभी सुखी नहीं होते हैं जो लोग निरर्थक घूमते रहते। कितनों को फैशन में रस बहुत है, अरे एक ऐसे ही कपड़े बदलते हैं लोग, न जाने कैसा कैसा कटिंग, टेलर भी हार खा गया उनसे, बोलते इधर से काट दो उधर से काट दो उधर से जोड़ दो चिट्टी पिट्टी और कटी पिटी हाफ पैंट पहना दो, अच्छी पैंट है उसमें छेद कर दो दो चार जगह, रोशनदान लगा दो, हवा पास हो जाए। बड़े बेशरम लोग, फैशन में रस आ रहा है। कहां कहां किसको रस मिलता है, पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है, कोई सार नहीं। लेकिन वास्तव में रस तो राम रस है। राम रस में जिसको रुचि हो गई उसका जीवन कभी नीरस नहीं होता है, हमेशा सरस और मधुरस जैसा जीवन रहता है, और जीवन में कभी दुख नहीं आता है ना द्वंद्व आता है, हमेशा खुशी छाई रहती है। जय 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 जय। संस्कारी आत्मा को सत्संग में रस आता है, सेवा करने में रस आता है, दानी आत्मा को दान करने में रस आता है,
कितने लोगों को तो प्रेम करने में रस आता है, सबसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, बड़े खुश रहते हैं, प्रसन्न। ऐसे कर्म करो, ऐसा चरित्र बनाओ जिससे कि तुम्हारे पति को टेंशन ना हो, और ऐसी जिंदगी सजाओ जिससे तुम्हारी पत्नी को कभी चिंता ना हो तुम्हारे कारण, और ऐसी जिंदगी जियो जिससे माँ बाप को कभी तुमसे दुख ना हो, और ऐसी साधना करो, तपस्या करो, नियम संयम का पालन करो जिससे तुम्हारी ओर से कभी तुम्हारे गुरु को असमंजस ना हो, और ऐसे त्याग तप से गुजरो जिससे तुम्हारे शिष्यों का उत्साह बढ़ता रहे और शिष्य लोगों का मन गदगद रहे, धन्य है जीवन। ऐसा भरोसे के गुरु बनो, भरोसे के बाप बनो, भरोसे की पत्नी बनो, भरोसे के पति बनो, भरोसे की बहन बनो, और भरोसे के शिष्य बनो, और भरोसे के सास ससुर बनो, भरोसे के नेताजी भी बनो। एक नेता कह रहा था, हमको तो राजनीति में भरोसा ही नहीं। हमने कहा क्या भरोसा नहीं? बोले यही भरोसा नहीं कि कब हमारा टिकट कटेगा कि मिलेगा। फिर बोले जनता पर भी भरोसा नहीं, वोट देगी कि नहीं देगी। हमने कहा फिर? बोले जीत भी जाऊं तो जो सीएम बनेगा उस पर भरोसा नहीं कि मुझे मंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बोले बड़ा असमंजस का काम चल रहा है। एक मुख्यमंत्री से मैंने पूछा, इतने आपके विधायक हैं, आनंद है? बोले टेंशन, इनका किसी का भरोसा नहीं कब किस पार्टी में चले जाएं, ये नालायक सब। बोले इनको संभालने में आधी बुद्धि खर्च हो जाती है, धूर्त है सब, लोभी बैठा है। इनको जो कोई दे देगा 50-50 लाख उधक लुढ़क जाएंगे, थाली के बैंगन है, थाली के आलू हैं, ये आलू बंडा, सड़े टमाटर। बोले भरोसा ही नहीं है, देशवासियों को भी भरोसा नहीं है, नेता सही चलाएगा कि नहीं चलाएगा। अरे जनता को लेखपाल पर भरोसा नहीं, क्या क्या लिख देगा, मेरे पिताजी का नाम है बद्री प्रसाद, कहीं बगदी राम न लिख दे जो उसको सुधारते सुधारते 10 साल मुकदमा चले। जज पे भरोसा नहीं है कि कहीं मुकदमे का डिसीजन गलत ना दे दे, भरोसा टूट गया। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या का सपना। भरोसा टूट गया। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मोह माया में मती गई मारी, मोह माया में मती गई मारी, आह मोह माया में मती गई मारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारे। भरोसा दीजिए, लोगों की चिंता मिट जाएगी। जिस नारी को अपने पति के ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि मेरा पति दुख सुख में उतार चढ़ाव में हमको निभाएगा, वो नारी निश्चिंत हो जाती, खुश रहती, टेंशन नहीं रहती। जिस दामाद को अपने सास ससुर पर भरोसा है कभी संकट आएगा तो पूरी मदद करेंगे, वो दामाद भी खुश रहता, निश्चिंत रहता। जिस सास ससुर को भरोसा है अपने दामाद के ऊपर कि कभी जरूरत होगी मेरा दामाद दौड़ के तुरंत आ जाएगा, सास ससुर का मनोबल बढ़ जाता है। जिन बेटों को अपने माँ बाप पर भरोसा है, वो बेटों का उत्साह 10 गुना ज्यादा रहता है।
जिन चेलों को अपने गुरु के ऊपर भरोसा विश्वास है तो उनका मनोत्साह हजारों गुना तरंगे लेता है। मेरे कमरे में एक फर्नीचर का बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति आया, भगत था, बोला बना दूं कमरे में कुछ फर्नीचर। तो मेरा एक शिष्य था, मैंने सोचा ये होशियार है तो इसको भेज दिया। हमने कहा जाओ देख लो, कुछ अगर जरूरत है तो बना दो। तो उसने कहा यहाँ पर बनेगा कुछ सामान वामान रखने के लिए? तो मेरा शिष्य बोला नहीं नहीं, इसमें तो कुछ नहीं बनाना, इसको बिल्कुल खाली रखना है। गुरु जी के कमरे में कोई सामान नहीं, कोई अलमारी नहीं, कुछ नहीं, अलग स्टोर रूम, यहाँ जरूरत नहीं। अब वो सेवा में बनाना चाहता था 10-20-50 हज़ार की सेवा, वो संतरे नहीं नहीं बिल्कुल इसमें तो कुछ होना नहीं। तब तक मैं पहुंच गया, वो नैने नैने कर रहा था। तो मैंने देखा उसका भाव, तो मैं फिर वापस लौट के हमने कहा देख लो जैसा उचित हो। उसको भरोसा है अपने गुरु के ऊपर कि मैं जैसा डिसीजन लूंगा मेरा गुरु खुश हो जाएगा। तो मैं भी उसको मान लिया, ठीक कह रहा है। ज्यादा सामान कमरे में भर जाने से कमरे की ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है और कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा होती है, फिर कमरे के अंदर वायु प्रदूषित हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। इसलिए कमरे जिसमें सोना उसको स्टोर रूम मत बनाइए, स्टोर रूम अलग रखिए। और भरोसा गुरु के ऊपर भी होना चाहिए। अरे भरोसा ना होता ये छोटे छोटे बच्चे गुरु के पास कैसे आते? देखिए इनको, देखो आप पहले इनका मुंह देखो, अलग ही मुंह है इनका, दुनिया में ऐसा मुंह मिलना कठिन। हमेशा खुश रहते, देखो हंसते कैसे, वो मगन रहते हैं। भरोसा है गुरु के ऊपर। जब गुरु परफेक्ट होता है, परफेक्ट माने पूर्ण, हर चीज में पूर्ण है, तो शिष्य सब निश्चिंत हो जाते हैं। शिष्यों को चिंता नहीं रहती, समझते हैं मेरा गुरु पर्याप्त काबिल है, होशियार है, चतुर है, बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं। मूर्ख गुरु के साथ में शिष्यों को बड़ी चिंता रहती है कि मूर्ख गुरु कहीं गलत डिसीजन ले ले, न जाने कब झोला झंडा उठाकर किस गांव में खड़ा हो जाए, न जाने किसके नाम आश्रम लिख दे। मूर्ख है क्या पता उसका, कितने गुरु भी बहुत मूर्ख है। कोई गुरु नाराज ना होना, जो मूर्ख होना वो कल दक्षिणा भेज देना, बहुत मूर्ख है। कोई काम सही नहीं कर पाता है, गुरु तो बन गया फालतू खाम खाम। कितने लोग जबरदस्ती गुरु बने बैठे, शिष्य होने का तो ज्ञान नहीं, गुरु तो बहुत दूर है, पर कंठी माला लेकर पिन्हा रहे लोग। लोग भी सोचते सस्ता गुरु मिल गया, वो कहते भी हैं अरे मुझसे गुरु मंत्र ले लो, सस्ता हूं। एक गुरु के पास में कोई शिष्य गया, उसने कहा क्या आप असंग देव को जानते हैं? बोले जानता हूं। बोले उनको मैं गुरु बनाना चाहता हूं। बोले उनको तुम गुरु बनाना चाहते? वो तो बहुत बड़े संत है, वो तो छोटी मोटी दक्षिणा में शिष्य ही नहीं बना, बहुत ज्यादा दक्षिणा लेते हैं। उसने कहा तो हम दे देंगे। अरे बोले वहां मत जाओ, बहुत दूर रहते। बोले ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे। बोले वो कभी तुम्हारे द्वार पर आंगन में नहीं आएंगे, तुम बुला ही नहीं सकते, बहुत महंगे हैं, कास्टली गुरु। तो उसने कहा मेरी पत्नी ने कहा हम जेवर बेच के उनको बुला लेंगे। लेकिन तुम बहुत बेवकूफ आदमी, उनके चक्कर में क्यों पड़े? वो कोई गुरु है, संत है, असंग साहब, वो तो राजनेता भी है। तो वो भगत क्या बोला जो गुरु मंत्र लेना चाहता था? बोले तब तो और अच्छा है, राजनेता वाला भी काम हो जाएगा, गुरु वाला भी हो जाएगा।
वो बोला राजनेता है तो बहुत अच्छा है, और मैं बिल्कुल राजनेता नहीं हूं। लेकिन उसको डर था, उस गुरु को, डुप्लीकेट गुरु जो था, उसको डर था अगर उनको गुरु बना लिया और उनका आशीर्वाद मिल गया और ये धन धान्य से पूर्ण हो गया तो एक दिन उनको बुलाएगा ही, और जब बुलाएगा तो पूरे इलाके में यह संघ साहब का प्रभाव फैलेगा, तो मेरी चटनी कौन खरीदेगा? उसको अपना डर है इसलिए वो इधर काट रहा है और बोल रहा मैं सस्ते में बना देता हूँ, 50 रुपये दक्षिणा दे दो, चेला बना दो। कोई सस्ते में गोबर के रसगुल्ला मिल जाए खाने को, क्या खाओगे सस्ते में गोबर गुल्ला? अरे चाहे 10 रुपये का एक रसगुल्ला मिले पर रसगुल्ला ही खरीद कर खाओगे, और गोबर गुल्ला फ्री में मिले तो भी तुम नहीं खाओगे। ये गोबर गुरु थोड़े बनाना है, गोबरनाथ। महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। देखिए कहां कहां से लोग आए, मध्य प्रदेश से आए 7 लोग आए, बहुत किराया भाड़ा, ट्रेन में बैठना, ये करना वो करना, सब गिरते पड़ते लुढ़कते पुढ़कते आ गए, भटकते भटकते एक दो थैला गाड़ी में छूट गया, ट्रेन में उधर ही चला गया। भोल भाल होती है, लेकिन नहीं जाऊंगा वहां क्योंकि हमें बस वही चाहिए। ओए जबलपुर में क्या गुरु की कमी है? नरसिंहपुर में क्या गुरु की कमी है? अरे गली गली गुरुआ गोहरा में चेलो मंत्र ले लो, बहुत है गुरु उधर। नेपाल में कोई गुरु की कमी है? नंदलाल पाठक बोल, कमी नहीं है, बहुत गुरु है, लेकिन देश छोड़कर दूसरे देश में एंट्री किया है ये बालक। जाऊंगा वही, गुरु इन्हीं को बनाऊंगा। उसको भी बहुत लोगों ने बहकाया, भ्रमित किया, ये वो दुनिया भर बोले अरे तू कहाँ जा रहा उनके चक्कर में। बोले अब तो सब चक्कर जहां से मिटता है वो उनके चक्कर में जाना है, सब चक्कर मिटा दे। सच्चे गुरु पे भरोसा हो जाता है। बैठो, अब ये सब भरोसा से ही आए। कल रात में फोन आया संतोष पटेल का, प्रबंधक के पास। प्रबंधक मेरे पास आए, बोले कि कोई संतोष पटेल है? मैंने कहा तुम जानते नहीं? बोले हम नहीं जानते। हमने कहा महाभक्त है। बोले फिर? तो हमने कहा उनके लिए पूरी सुविधा कीजिए व्यवस्था। बोले ठीक, बस इतने पूछना था। ये है संतोष पटेल। मैंने कहा उनके साथ पुरुषोत्तम पटेल भी होंगे, पूछना पता लगाना। ये पुरुषोत्तम एडवोकेट है ये, और ये बहुत बड़े रेलवे के अफसर हैं। ये साधारण लोग नहीं, थोड़ा मुड़ के दर्शन दे दो इनको, समझाओ कि कौन है। वाह, दोनों भगत भाव से चले हैं वहां से। बैठो, ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है। भरोसे से संसार चलता है, भरोसे से परिवार चलता है, भरोसे से गुरु शिष्य का नाता, पति पत्नी का नाता, पिता पुत्र का नाता, माँ बेटी का नाता, सास बहू का नाता, भरोसे से सारे रिश्ते चलते हैं, और भरोसे से जगत चलता है, भरोसे से आश्रम चलता है, और भरोसे से सारी आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए भरोसे की जिंदगी बनाइए और दूसरों का भरोसा तोड़िए मत, विश्वास को पैदा रखिए, तभी जिंदगी धन्य हो सकती है। जय 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 जय। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, क्या बात है। आदमी पुड़िया खाता है, गुटखा खाता है, कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। पुड़िया को खोल कर सीधे मुंह में डालता, हथेली पर नहीं लेता, देखता नहीं कि इसमें छिपकली पड़ी, मक्खी पड़ी, केचुआ पड़ा, गिंजाई पड़ी, इसमें कीड़ा मकोड़ा है, क्या है, कुछ नहीं देखता। भरोसा है, कंपनी ने ठीक बनाया। सब भरोसे से गाड़ी खरीदते हो, भरोसे से। अभी हमारे संजीत धवन जी गाड़ी लाए, लाल कलर की गाड़ी है, उधर कैमरा लगाइए।
भरोसे से गाड़ी लाए हैं कि कंपनी ने अच्छा बनाया है, 5 लाख पेमेंट करके गाड़ी ले आई, धीरे धीरे किस्त अदा हो जाएगी थोड़ा बहुत, 2 साल हो गए गाड़ी को, आज गुरु को दिखाया है, बड़े गुरु जी को दिखा दिया, स्पर्श करा दिया, आज उसके उपलक्ष्य में ये 2 पैकेट सोन पापड़ी मीठा आया, 2 साल देखो, 2-2 साल न्यू दिख रही, मैं सोचा नई किसकी है, पर वो अपने ही भक्त की गाड़ी है। भरोसा था कि मेरा गुरु उस गाड़ी को देखेगा, लाकर दिखाया है, इसलिए गुरु को भी भरोसेमंद होना चाहिए, शिष्य को भी भरोसे का शिष्य बनना चाहिए, विश्वसनीय शिष्य बनो, डावाडोल नहीं, डगमग नहीं, दृढ़ होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं, विश्वास, सांस सांस में विश्वास, जहां विश्वास है वहां सबकी पूरी आस है, भरोसा बहुत बड़ी चीज होता है, घर वालों के भरोसे घर का मालिक 20 लाख लोन ले लेता है, घर खड़ा कर देता है, घर वालों को रख देता रोह ठाट से, हम सब मिल करके मेहनत करके ये लोन अदा कर, भरोसा है, भरोसे पे बहुत बड़े बड़े काम होते, फाइनेंस कंपनी बैंक आपको कर्ज देती है, लोन देती है, भरोसे पर ही देती है कि ये अदा कर देगा, तुम किसी को उधार देते हो, किसी से उधार लेते हो, बीच में भरोसा और विश्वास काम करता है कि हमको वापस पैसा मिल जाएगा, इसलिए भरोसा को टूटने मत दे। एक नेता को भी भरोसा है जनता के ऊपर कि हमको वोट मिलेगी, मैंने काम किया है, और जिसने काम किया है उसको वोट मिलती भी है। अब जनता में चेतना जागृत हो रही है, अब मैं देख रहा हूं जनता के लोगों को, न जातिवाद, न वंशवाद, न परिवारवाद, न प्रांतवाद, न जिलावाद, अब तो केवल विकासवाद और राष्ट्रवाद ही चल रहा है, लोग सोच रहे हैं जो राष्ट्र की रक्षा करेगा और राष्ट्र का विकास करेगा और जन जन का विकास करेगा वोट उसको मिलेगी, जाति चाहे जो भी, जाति से क्या लेना देना, जितना तुम्हारी जाति वालों ने तुमको दुख दिया उतना दूसरी जाति वालों ने दुख ही नहीं दिया, जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, आरती होने का समय आ चुका है, जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। अहमदाबाद गुजरात से हमारे महान भक्त सेसा भाई, उनकी पत्नी राम कन्याबाई, बेटी निकिता बहन, चल पड़े वहां से एरोप्लेन से, सेसा भाई का पैर कमजोर, वजन ज्यादा, राम कन्या भाई वो भी लेडीज है, बेटी भी लेडीज है, लेकिन अहमदाबाद से कबीर धाम आ रहे हैं, तो मैंने कहा तुम कैसे आ रहे हो, बोले आपके भरोसा पर आ, मेरा गुरु सब ठीक कर देगा, हमको संभाल ले, उनको संभाल लिया, प्रेम से विदा होकर गए, बोले वास्तव में नहीं तो गुजरात छोड़कर कैसे आते इतनी दूर, ये भरोसा, मैं यहां से जाता हूं भक्तों के घर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कहीं बाहर जा रहा हूं, दूसरे स्टेट में जा रहा हूं, दूसरे जिले में जा रहा हूं, या कहीं दूसरे के यहां जा रहा हूं, मुझे लगता है मैं अपने खास भक्त के यहां जा रहा हूं, मैं मेरे घर जा रहा हूं, भक्त का घर मेरा घर है और भक्त का भवन मेरा संत का भवन है, वहीं जाकर रहे, विश्वास से सृष्टि चलती है, भरोसे से संसार चलता है, याद रखना, इसलिए अपने सासू का भरोसा भी टूटने मत देना, बुढ़ापे में सासू की भी सेवा कर देना, कौसल्याद सासु गृह माही सेवत सवनी मान मद नाही,
सीता जी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी आदि समस्त सासुओं की सेवा अहंकार को छोड़कर नम्रता पूर्वक करती है। सासुएं खुश हो जाती है कि सीते तू नारी के रूप में नारायणी है, तेरे अंदर जरा भी गुस्सा नहीं है, तो सबकी सेवा करती है। सेवा सासू की भी सेवा करो, हम सब सेवक हैं। इस संसार में सेवा करने के लिए हमारा आना हुआ है। यही सेवक का नित भाव रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। यही सेवक का नित भाव रहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति। जो संस्कृत सिंधु को नावे अहे, गुरु भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले। सेवा रस बहुत सुख देता है। सेवा में जो सुख है और कहीं नहीं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। सेवा करके देखो क्या सुख मिलता है। तन से सेवा, मन से सेवा, बुद्धि से सेवा, धन से सेवा, अन्न से सेवा। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से भक्त सतीश कश्यप आए, रीना कश्यप, बहुत सा राशन सामान लाए भंडार घर का, गोलगप्पे वहां से लेकर आए, यहाँ बनाकर चाट वाट बनाकर सबको खिलाया, बड़े खुश। मैंने उनसे कहा भोजन कर लो, बोले नहीं गुरुदेव 11 बज गए हैं, इतना चाट सबको खिलाया हूँ, खुद खाया हूँ, भोजन की भूख नहीं, आज्ञा दीजिए वली गढ़ जाऊं। मैंने कहा जाओ प्रेम से जाओ। बोले सेवा में आनंद आ, जब परोस कर तुम दूसरों को खिलाते हो, दूसरे मुस्कुरा कर खाते हैं, तो तुम्हारा मन भर जाता है, और जब तुम खाते हो तो तुम्हारा पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। दूसरों की सेवा करने से आपका दिल भरता है, मन भरता है, हृदय भर जाता है, जिंदगी तृप्त हो जाती है, और खुद जब खाते हो तो केवल पेट भरता है, तुम्हारी जिंदगी तृप्त नहीं होती। सेवा करो। कोरामे रसिक रस पिय होगे जोग जिय होगे। कोरामे रसिक रस पिय होगे। कथा विसर्जन होत है सुनिए भक्त महान, क्षमा देव का नाम लो धरो हृदय में ध्यान। यजमान भक्त श्याम लाल हैं शोभा देवी महान, पवन मोहित पुत्र हैं करते नित गुरु ध्यान। सेवा राशि भेज कर करवाया सत्संग, महाभंडारा बनवाय कर बरसाया प्रेम करंग। आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी उनका श्रेष्ठ निवास, नया भवन बनवा रहे गुरुआमन की आस। श्यामलाल तुमको आशीर्वाद मैं देता हूँ, शोभा देवी की शोभा को आशीष प्रदान ही करता हूँ। क्षमा देव की कृपा से पूर्ण हुआ सत्संग, गुरु मन की दया से बरस रहा है रंग।